और खबर रायबरेली से है जहां पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है। बता दें कि स्वामिनी विवाद मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची थी, तभी गाली गलौज कर रहे युवक को थाने ले जाया गया। वहीं युवक ने महिला पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। मामला खिरो थाने इलाके के सेमली गांव का बताया जा रहा है। तो पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है। ये पूरा मामला जो है वो रायबरेली का है। महिला पुलिस टीम पर हमला किया गया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे किस तरीके से यहाँ पे चीख पुकार मच गई। जमीनी विवाद पर ये हमला किया गया है। थाना हीरो जो कि रायबरेली में आता है, ये पूरा मसला जो है वहीं से निकल के सामने आया है। बता दें कि पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए महिला पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। इसके बाद से मामला और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। महिला पुलिस पर हमला किया गया है और इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की है। युवक ने पुलिस पर हमला किया है और बता दें कि 8 महिलाओं पर हमला के विरोध में हिरासत में लिया गया है और ये कार्रवाई रायबरेली में देखने को मिल रही है। जमीनी विवाद को लेकर ही पूरा मामला उजागर हुआ, जिसके बाद से महिला पुलिस की टीम पहुंची थी और उन पर हमला किया गया, जिसके बाद से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो युवक ने पुलिस पर हमला किया है। महिला पुलिस बताया जा रहा है जिन पर हमला किया गया है और 8 लोगों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे किस तरीके से हंगामा हो रहा है। और पुलिस ने जब कार्रवाई करने की शुरुआत की तब लोगों ने हंगामा कर दिया वहां पे। राजू तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजू, ये पूरा मामला था क्या और इसके बाद से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के खीरो थाना क्षेत्र के सिमरी गांव का बताया जा रहा है, जहां पर दो पक्षों में जमीनी विवाद हो रहा था और जमीनी विवाद पे सूचना पर पहुंची डायल 112 के जो सिपाही थे उनके द्वारा बीच बचाव करने का प्रयास किया गया, लेकिन साफ तौर से तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से महिलाएं जो है एकजुट होकर पुलिस पार्टी पर हमलावर हो गई। हालांकि आपको बता दें कि जब एक व्यक्ति को जो उसमें शामिल था जमीनी विवाद में, जिसके द्वारा उपद्रव किया जा रहा था, उसको पुलिस के द्वारा उठाने का प्रयास किया जा रहा था, तो उसको बचाने के चक्कर में जो महिलाएं थी वो पुलिस पर हावी हो गई। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में 11 लोगों को हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है, लेकिन आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दबंग बेकाबू है और लगातार पुलिसिंग पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें लगातार रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी का कहना है कि जो जिले की पुलिसिंग व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन रायबरेली जिले की बात करें तो स्थानीय पुलिस कर्मियों की शिथिलता के चलते लगातार दबंग हावी है और लगातार ऐसे कृत्य लगातार सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। ये एक ऐसा ही वाकया फिर देखने को मिला जब खीरो थाना क्षेत्र के सिमरी गांव में एक ऐसा मामला आया जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ, लगातार लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, तो फिर लोगों के अंदर आक्रोश भी नजर आ रहा होगा इस वक्त। जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से वीडियो किसी के द्वारा बनाकर वायरल किया गया है और सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो जब वायरल हो रही तो कहीं ना कहीं पुलिसिंग व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं और तरह तरह की लोगों के द्वारा बातें की जा रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं हमला हो रही हैं, तो इससे साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं। डायल 112 में जबकि व्यवस्था है कि एक महिला कर्मी भी रहेगी, लेकिन इस समय वो महिला सिपाही नहीं दिखाई पड़ रही, तो कहीं ना कहीं पुलिसिंग व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसमें साफ तौर से जो लोगों में चर्चा का विषय है कि ऐसे में जो महिला सिपाही तैनात की गई है वो कहाँ है और किस तरह से, तो ऐसे में तरह तरह के अगर कहा जाए तो रायबरेली जिले की पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी, तो बताइए जब वीडियो वायरल हुआ, मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, तो कोई संज्ञान लिया गया है क्या इन अफसरों के खिलाफ?
जी बिल्कुल बता दें कि रायबरेली एडिशनल एसपी नवीन कुमार का कहना है कि पूरे मामले को संज्ञान में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही। हालांकि प्राथमिकता के तौर पे सबसे पहले जो उसमें आरोपी हैं 11 लोगों को हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही शुरू की जा चुकी है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका तमाम जानकारियों के लिए।